राधे राधे मेरी YouTube फैमिली, मुझे पता है जो चीज़ मेरे बच्चों को पसंद आती है आपके बच्चों को भी पसंद ज़रूर आती होगी, क्योंकि सभी बच्चों की जीवना एक ही जैसी होती है। मेरे बच्चों को ये जो पराठा है ना, बहुत पसंद आता है और आपको तो पता ही है इस पराठे को मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ। जब भी मेरे बच्चे इस पराठे को खाने के लिए मांगते हैं ना, तो उसको बिल्कुल एकदम नए स्टाइल से बना देती हूँ। मतलब उनको ना टेस्ट एकदम अलग सा लगता है, कभी भी मन नहीं भरता है उनका खाने में। आप देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर दोपहर का खाना बना रही थी और मैं ना इस पराठे को ज़्यादा करके दोपहर में ही बनाती हूँ और केवल मीठे के तौर पे, ठीक है ना। तो एक बड़ा सा पेड़े के जितने हमने आटा ले लिया है, यानी कि एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है और इसको ना कुछ इस तरीके से लंबा सा रोल कर लिया है, ठीक है। फिर इसको चकले के ऊपर रख के बेलन से इस तरीके से फ्लैट सा बेल लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लगा लिया है घी। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं इस पराठे में। फिर इसमें एक हल्का फुल्का सा ना डिजाइन सा बना देते हैं कुछ इस तरीके का। इस डिजाइन से इसमें ना टेस्ट बनने वाला है। चलिए, जैसे मैंने इस तरीके से डिजाइन बना दिया है ना, तो चीनी लेके आ जाती हूँ, यानी कि मैं बना रही हूँ यहाँ पर चीनी का पराठा। यकीन मानिए, इस तरीके से बनाया गया ये चीनी का पराठा मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसमें ना एक मतलब रसा सा भर जाता है, एक ऐसा रसीलापन आता है जब खाते हैं ना, कि बच्चों का ना मन ही नहीं भरता है खाने का। और मेरे बच्चे, सबसे अच्छी बात यह है, जब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें घर पे बना के देती रहती हूँ ना, छोटी छोटी सी चीज़ें, ये छोटी छोटी सी रेसिपियाँ, तो मेरे बच्चे ना कभी भी बाहर की चीज़ें नहीं मांगते हैं। आप यकीन मानिए, ना तो कभी बाजार के चार समोसे मांगते हैं और ना ही कभी ज़्यादा करके दुकान की चीज़ें मांगते हैं। कभी कभी मांगते हैं तो हम खुद ही दिला देते हैं, ज़्यादा नहीं मांगते हैं, ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना घर पे बना के दे देनी चाहिए बच्चों को। बस इसको आपने देखा ना मैंने किस तरीके से कवर कर लिया है और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हल्के हल्के से हाथों से बेल लेते हैं। देखिए, चीनी ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगी है ना, मस्त पराठा बनने जा रहा है। तवे को मीडियम से गर्म कर लेंगे और पराठा यहाँ पे डाल देंगे, करीब 30 से 40 सेकंड सिक जाने देंगे और इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इस पे लगाएंगे हम घी। अब ये जो मेरा तवा है ना, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा फिसलता रहता है। मैंने बहुत कोशिश कर ली है इसको सेट करने की, लेकिन ये होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। दरअसल ना मेरा तवा कुछ साइज में ना छोटा है, ये तो अच्छे से जमता नहीं है इस चूल्हे के ऊपर। चलिए, इसको अलटते पलटते हुए इस पे दोनों तरफ से हमें घी लगा देना है। घी देखिए सर्दियों में कितना बुरी तरीके से जम जाता है, बिल्कुल गरम गरम पराठे के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन जब भी पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पराठा देखिए किस तरीके से फूलने लगा है, इसमें अंदर ही अंदर ना चीनी मेल्ट होने लगी है। और जब चीनी मेल्ट होती है ना, खुशबू की तो ना बाहर आ जाती है, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। देखिए, ये लेयर बन रही हैं इसमें और चीनी भी इसमें अंदर से दिखाई दे रही है। ये जो चीनी है ना, एक जैसे कैरेमल नहीं बनाते चीनी का, कुछ इस तरीके से मेल्ट होती है और कैरेमल का जो टेस्ट होता है ना, आप भी जानते हैं, एकदम ना चॉकलेटी सा फ्लेवर देता है, मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। इस पराठे को करीब हम 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छा सा उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। यहाँ पे मैं इसकी लेयर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको चिमटे से, है ना। तो बहुत ही बढ़िया, ये हमारा चीनी का पराठा बनके तैयार हो चुका है। खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, जैसे भी इसको सेक रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे एक ही पराठा बना रही थी। अब दोपहर का खाना खा रहे हैं तो किसी किसी को ना आदत होती है खाने के बाद मीठा खाने की। मेरे घर में 2 सदस्य ऐसे हैं जिनको मीठा खाने की बड़ी आदत है, मतलब खाना खाते हैं और एकदम से गुड़िया चीनी या मीठा कुछ भी मांगते हैं। देखिए, लेयर मैंने आपको दिखा दी है, तो जो आदत है ना वो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की है, खाना खाते के साथ ही मीठा मांगते हैं। तो कभी कभी 2-4 दिन में मैं ये पराठा उनको ज़रूर से बना के दे देती हूँ। तो देखिए, जब मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ ना, तो आपने ध्यान अगर किया होगा तो इसमें से ड्रॉप नीचे हो चुकी है, जो चीनी है ना वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चलिए, इसको ना प्लेट में रख लेती हूँ और साइड में ही मेरे बच्चे भी खड़े हैं और बेटी, देखिए इसकी नज़र ना केवल पराठे पे ही है, क्योंकि ये इसका फेवरेट पराठा है। चलिए, पराठा बनके तैयार है। पराठा तो बनके तैयार हो चुका है, एक बार इसे अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से इसमें चीनी मेल्ट हो रही है और बहुत ही अच्छे से लेयर भी बन रही है। देखिए, ये देखिए, है ना मस्त पराठा। ये देखिए, तो राधे राधे दोस्तों, एक और अच्छी सी और टेस्टी सी रेसिपी में फिर मिलती हूँ।